समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है, कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी, मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है, और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे दी है, एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं यदि विकास के उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबरा हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के, हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ही होना चाहिए था। अब ये खाली झूठे आरोप लगा देखते, फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर राजनीति करना चाहते हैं, और इनके नेता बाहर जाते हैं वो भी ये काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है, क्योंकि इतने काम हुए घर घर काम पहुँच गए हैं, और हमने कहा है ये जनगणना की नीति जो हमारी है आगे भी जारी रहेगी, हमारे आगे भी हम लोग जो स्कीमें बनाई है और नई स्कीम लेके आएंगे, स्कीम बन के और मजबूत करेंगे। नौकरी हमने दी, 3 लाख नौकरी दी है, हिंदुस्तान कितने राज्यों ने दी है, पेपर लीक की बात करते हैं, पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया, कितने राज्यों ने बनाया देश के अंदर, किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया, उसके बाद कोई पेपर लीक आउट नहीं हुआ, और पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए, सब जगह आर्मी में हुए हैं, जुडिशी में हुए हैं, और हमने कार्रवाई करी, बाकी राज्य कार्रवाई नहीं करते। पिछली गवर्नमेंट राजस्थान जो थी उसमें भी पेपर लीक हुए थे, उस चर्चा में आए नहीं, पेपर लीक वाले भी भर्ती हो गए, सब भर्ती हो गए थे, हमने तो बाकायदा कार्रवाई करी। रात दिन का फर्क हमारे अप्रोच में उनकी अप्रोच के अंदर, तो आप निश्चिंत रहें, इस बार माहौल कांग्रेस पक्ष में, सरकार कांग्रेस रिपीट होने जा रही है।